ये वो कहां जा रहे हैं? बाहर में ऐसा थी उसका तभी आ रहा है किसी गाड़ी का इसे वो तो उसके कर्म का गाड़ी चले दो नंबर की जगह चले मिला चलिए लिखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए आप लोगों को क्या बताए थे म्यूचुअल इंडक्टेंस में कि जो किसमें परिवर्तन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा रे ईएमएफ उत्पन्न होगा ना। तो यहां पर क्या होगा हाई वन बराबर क्या था M12I2 ये था हाई वन बराबर क्या था बबुआ M12I2। अब ये जो हम निकाल के दिए थे आप लोगों को ये इक्वेशन कहां से निकाले थे म्यूचुअल इंडक्टेंस से। म्यूचुअल इंडक्टेंस में फाइव वन मतलब पहले क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरे क्वाइल में धारा में परिवर्तन होता है धारा उत्पन्न होता है यही ना होता है। तो हम वहां समानुपाती का सिंबल हटाए थे तो वहां एक कांस्टेंट रखे थे उस कांस्टेंट का क्या नाम था M12 और M12 मतलब क्या हो गया वन मतलब वन के सापेक्ष क्या थी टू का फर्स्ट के सापेक्ष सेकेंड का इंडक्टेंस। तो वहां पर देखिए हमको अब क्या चाहिए इसमें से इसका डेफिनेशन चाहिए किसका M12 का। तो यहां पर क्या होगा M12 इज इक्वल टू क्या होगा I1 by I2। कहने का अर्थ है यहां पर देखिए यदि I2 बराबर क्या ले ले एक एम्पियर ले ले क्या ले ले एक एम्पियर तब क्या होगा बबुआ M12 बराबर क्या होगा I1 होगा M12 बराबर क्या होगा फाइव होगा। ये फाइव इसलिए होगा क्योंकि किसमें प्रथम क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का वह मान जिसके कारण दूसरे क्वाइल में क्या चीज उत्पन्न हो इकाई धारा उत्पन्न हो क्या हो इकाई धारा उत्पन्न हो तो वह क्या कहलाता है प्रथम के सापेक्ष दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है अन्वय प्रेरकत्व समझ में आया ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को वन एम्पियर निकाले आई का वैल्यू क्या ले लिए वन एम्पियर तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन का मान को हम लोग क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। वो भी किसके सापेक्ष एक के सापेक्ष दूसरे का प्रथम कुंडली के सापेक्ष दूसरे कुंडली का। ठीक है चलिए लिखिए इस बात को जल्दी से लिखिए प्रथम क्वाइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का वह मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का वह मान जिसके कारण दूसरे क्वाइल में इकाई इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड कैसे होता है जानते हैं ना INDUCED इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है तब प्रथम कुंडली के सापेक्ष दूसरे कुंडली का तब प्रथम कुंडली के सापेक्ष दूसरे कुंडली का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। हो गया
अब देखिए यहाँ पर एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो फैराडे लेंज लॉ से। किसे? फैराडे लेंज लॉ से। क्या बोले? द्वितीय कुंडली का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्शन प्रेरक इंडक्शन खत्म हो गया, घटना कहलाता है। इसको मिटा दें। अब हम लोग अलग टाइप का एक डेफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं, अलग टाइप का मात्रक भी देख लेते हैं, ठीक है? मात्रक भी इसका देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे इजली वे में। देखिए अब यहाँ तो करंट में परिवर्तन हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किए थे, तो किसमें परिवर्तन हुआ? इंड्यूस्ड करंट में। अब अगर यदि फैराडे लेंज लॉ देखेंगे, अब इसे फैराडे लेंज लॉ से क्या बोलता है? फैराडे लेंज लॉ रे E बराबर क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मोड करेंगे तो ये भी मोड हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। माइनस क्या बताता था? डायरेक्शन बताता था, जिसका विरोध जिससे उत्पन्न हुआ था उसी का विरोध कर रहा था। तो यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ई बराबर क्या होगा? फाई का वैल्यू क्या निकाले हैं देख लीजिए, फाई वन बराबर एम वन टू आई टू, यही ना रे, बट्टे क्या होगा? dt। तो E बराबर क्या होगा? M12 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा? di2 by dt। और यहाँ पर M12 बराबर क्या होगा? E बटा di2 बटा dt। ये हो गया, हुआ ये। अब अगर यदि हम लोग क्या ले लें, करंट में परिवर्तन कितना ले लें? इकाई करंट में परिवर्तन ले लें, तो दूसरे क्वाइल में उत्पन्न, यानी कहने का अर्थ है यदि हम लोग क्या ले लें, डी आई टू बाय डी टी, मतलब किसमें इंड्यूस्ड करंट में परिवर्तन का हुआ मान एक एम्पियर पर सेकंड ले लें, क्या ले लें? एक एम्पियर पर सेकंड, तब क्या होगा? एम वन टू क्या निकल जाएगा? ई के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद डेफिनेशन के तौर पर लिखाएंगे। चलिए यहां देखिए, अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि प्रथम कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक यानी कहने का सिंपल समझ लीजिए कि प्रथम क्वाइल में उत्पन्न इंड्यूस्ड ईएमएफ का वह मान जिसके कारण दूसरे क्वाइल में धारा में इंड्यूस धारा में परिवर्तन का दर क्या हो? एक एम्पियर पर सेकेंड हो, इकाई एम्पियर पर सेकेंड हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब प्रथम क्वाइल के सापेक्ष दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी बात को लिखना है। चलिए लिखिए, प्रथम कुंडली में ईएमएफ का वह मान, प्रथम कुंडली में ईएमएफ का वह मान, प्रथम कुंडली में ईएमएफ का वह मान जिसके कारण दूसरे कुंडली में, जिसके कारण दूसरे कुंडली में इंड्यूस्ड धारा में परिवर्तन की दर, इंड्यूस्ड धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, फर्स्ट क्वाइल के सापेक्ष सेकंड क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। हाँ, इकाई हो, लिखे इंड्यूस धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, फर्स्ट क्वाइल के सापेक्ष दूसरे क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फर्स्ट क्वाइल के सापेक्ष दूसरे क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। चलिए इसका यूनिट क्या होगा? यहीं पर देख लीजिए, इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा रे बबुआ? इसका यूनिट उससे देखेंगे, उसमें क्या था? एम वन टू बराबर क्या था? फाइव वन बाय फाइव टू, यही था ना? तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा? इसका होगा वेबर, होगा ना? वेबर पर एम्पियर,
वेबर पर एम्पियर या फिर इसका इससे इससे क्या निकल के आएगा बताइए तो, इसका क्या होता है वोल्ट, ईएमएफ का क्या होता है वोल्ट, वन वोल्ट और करंट में परिवर्तन क्या होगा एम्पियर, करंट वोल्ट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर क्या होगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं वन हेनरी, क्या बोलते हैं इसको वन हेनरी, जिसको हम लोग संकेत में एच लिखते हैं। सेम सेल्फ इंडक्टेंस का भी वही होता होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वही होगा। और देखिए यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या होगा रे बाबुआ, जो डायमेंशन उसका है वही डायमेंशन इसका भी होगा, तो क्या होगा एम वन एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन, यही होगा आई माइनस टू है आई माइनस टू। सर हम लोग जिस मान रहे हैं उसका ऐसा ही उसका तो प्रथम